बिस्मिल्ल रन अल्लाम मैं रत वक्त आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है इस्तकबाल है आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारे स्पेशल बुलेटन आखिर तक देखें दोस्तों मोहम्मद वसल्लम आखिर नबी आखिर रसूल है अल्लाह ने उन्हें इस धरती पर भेजा है अमन और शांति कायम करने के लिए आप ख़्यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए तमाम जन्तों के लिए जितनी भी मखलूक़ है सब के लिए आखिर नबी आखिर रसूल है सब लोग आपसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप अल्लाह के सच्चे नबी सच्चे रसूल है हम सब का काम है हम भी आपसे मोहब्बत करें हम अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं हमारे माँ बाप को अगर कोई कुछ भी बोले तो हमारे को बर्दाश्त नहीं होता लेकिन हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं हम कैसे भी रहो क्या भी रहो कुछ भी रहो किसी को भी इख्तियार नहीं है कि मोहम्मद महम्मद सल्लम के बारे में अनाप शनाब बके दुनिया जानती है दुनिया इस बात की गवाह है जब जब भी किसी ने महमद सल्ला वसम के बारे में अनाप शनाब बका है अल्लाह ने उसको सबकामो सबक़ दिया है मैं आपको बताना चाहता हूँ हजू सल वसम के टाइम में अबू जहल और अबू लहब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बके थे अल्लाह ने उन्हें खुद इब्रतनाक सज़ा दी और उम्र रज भी निकले थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन क्योंकि वो लिमिट में थे अल्लाह ने उन्हें हिदायत दे दिया और ऐसी हिदायत दिया कि शैतान भी उनके करीब आने को डरता था हम सब लोग इन चीज़ों से सबक लें दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर से जगह जगह पे जुमे की नमाज़ के बाद लोगों ने एहताज किया इसलिए कि भाई मोहम्मद अलैहि वसल्लम के बारे में नुपुर शर्मा और बीजेपी के जो प्रवर्ता है उन लोगों ने और उनको तायद करने वालों ने भी जैसे चैनल चलाने वाले लोग हैं वो लोग भी और उनको तायद करने वाले देश और विदेश के लोग ये सब बोल रहे हैं हालांकि बहुत सारे लोग हैं वो लोग नहीं बोल रहे हैं वो लोग रेस्पेक्ट करते हैं वो लोग मोहम्मद वसल्लम की रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन चंद लोग हैं इस कस्म की बातें करते हैं ये बातें करने से ज़ाहिर बातें मुसलमानों को तकलीफ़ होती है और मैं मुसलमानों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह तला बहुत पहले आपको बता चुका है कभी भी किसी को भी किसी के भी धर्म के बारे में उनके खुदाओं को बुरा मत बोलो क्योंकि उनके खुदाओं को बुरा बोलेंगे तो वो भी आपके खुदा को बुरा बोलेंगे असल में हकीक़त ये है हमको भी समझना है सबको समझना है उनका खुदा हमारा खुदा सबका खुदा खुदा भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर रब सब एक ही है ऊपर वाले के ही अलग अलग नाम हैं हम उसको बांट नहीं सकते अलग अलग ज़बानें बनाया अल्लाह ताला ताकि हम एक दूसरे को पहचाने एक दूसरे से मोहब्बत से रहे अलग अलग बोली बनाया जिस तरह परिंदों की बोलियां हैं अलग, अलग अलग बनाया ताकि हम एक दूसरे को मोहब्बत से पेश आए अच्छे उससे पेश आए एक दूसरे का साथ दे लेकिन अफसोस है कि इंसान जो है हर चीज़ को धर्म से जोड़ देता है कभी राजनीति करने के वास्ते जो है मैं ये इलाक़े का हूँ तुम वो इलाक़े के मेरी ये ज़बान है तुम्हारा वो इलाक़ा है तुम्हारा ये धर्म मेरा वो धर्म सब कुछ खीमा बना देता है सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर देता है ये बहुत बड़ा नुकसान होता है इससे देश की उन्नति नहीं होती है मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई अमन और भाईचारे को बना के बेशक किसी को भी इख्तियार नहीं है किसी के भी धर्म के बारे में अनाप शनाप और ये बहुत बड़ा गुनाह है ग़लत है ये नहीं बोलना चाहिए बहरा हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई नुपुर शर्मा और जो जिंदल है या जो भी लोग आए उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें सजा दी जाए जो क़ानून के हिसाब से सजा दी जाती है और दूसरी बात यह है कि तमाम मुसलमानों से भी और तमाम नान मुस्लिम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई सब मिलके रहे मोहब्बत से रहे और एक बात यह है दुनिया के अंदर इंसान खासतौर से मुसलमान जो है सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मोहम्मद अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी बात है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता वही उसका ईमान है वो जो जर्रा है ईमान का वो यही है ये बर्दाश्त नहीं होता और इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई तमाम हमारे मुसलमान भाइयों से कि भाई अब सब्र से काम ले और नमाजें पढ़े ईब इबादतें करे और दुआएं करे और अपने आप को जो है झुका ले अल्लाह के सामने झुकाए नमाज़ पढ़ के दुआएं भी करते रहिए ये बहुत ज़रूरी है और अमन से रहे और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अल्लाह ताला हम सब के अंदर अमन शांति बना के रखे और हम सबको तमाम धर्मों की रेस्पेक्ट करने वाले बनाए और अल्लाह ताला हम सबको आपस में मोहब्बत करने वाले बनाए और दूसरी बात हम सबको एक दूसरे के लिए मोहब्बत से देखते रहना चाहिए और मोहब्बत से रहना भी चाहिए और एक ख़ास बात दोस्तों हम सब को ऊपर वाले से बिल्कुल हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए हिदायत होंगी तो सीधे रास्ते पर चलेंगे बहुत ज़रूरी है मैं आप कोई भी रहो हिदायत की दुआ जरूर करते रहे हिदायत ज़रूर मांगते रहे दोस्तों और एक ख़ास बात अब एक साम में एक मैसेज है मैं स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ हूँ ये मैसेज में बताया गया है कि भाई मुस्लिम प्रिंसिपल बोर्ड ने कहा है कि भाई जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं याबिल कबुल लोग हैं या भरोसामंद लोग आएँ या वो लोग आएँ जिनको चैनल पर जा रहे हैं जिनको मालूम है वो सब लोगों से रिक्वेस्ट कर दी गई है कि अभी आप चैनल पर मत जाए क्योंकि आप लोग उधर जाते हैं और उल्टी सीधी बात कर देते हैं चंद पैसों के वास्ते और लड़े झगड़े हो जाते हैं आपको क्या है पैसे मिल गए आपको ये गलत काम आप लोग मत करें मेरी भी खसूस गुजारिश है भाई मिल के रहे अमन शांति बना के रहे इंसान को मिल के रहना चाहिए हम सब का डी एन एक है हम सब के जो है बाबा हज़रत आदम है और जाहिर बात है भाई जितने भी धर्मा बने हैं दुनिया में सब उन्हीं के औलाद है तो लिहाजा हम सबको मिल के रहना चाहिए और जो बात कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन उसको माने और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ शांति ज़रूर ज़रूर बना के रखे दोस्तों बहुत सारे न्यूज़ा हैं बहुत सारे टीवी वी चैनल हैं जहाँ पे बस हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स यही धर्म को लेके कर जबानों को लेके मनाई जाती है कभी मस्जिद कभी मंदिर कभी ये कभी वो मैं पूछता हूँ दोस्तों अगर आपको आगे जाना है हम अमेरिका को पीछे करना है लंदन को पीछे करना है फ़्रांस को पीछे करना है जर्मनी जापान को पीछे करना है ऑस्ट्रेलिया नदरलैंड न्यूज़ीलैंड को पीछे करना है तो मेरे भाई हमारे पास तालीम होना चाहिए तालीम ही वो शिक्षा है जो हमें आगे लेके जाएगी अगर तालीम नहीं है तो हम जो पीछे हैं और पीछे रह जाएंगे इसीलिए दोस्तों इस्लाम हमें सिखाता है बोलता है कि तुम सबसे पहले तालीम हासिल कर लो सीख लो जब हम सीख लेंगे तालीम हासिल कर लेंगे तो हमारे को मालूम हो जाएंगी जो मालूम हो जाएंगी तो इन हम डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे साइंटिस्ट बनेंगे हमारी भी तरक्की होंगी ख़ानदान की भी तरक्की होंगी देश की भी तरक्की होंगी सबकी उन्नति होंगी यह हमको हमारा धर्म सिखाता है तो मेरे दोस्तों इतना अच्छा धर्म है इतनी अच्छी बातें हैं हम हर एक के पास अच्छी अच्छी बातें हम सब मिल के रहें मोहब्बत से रहे और जितना हम एक दूसरे का साथ देंगे उतना हमारे लिए मोहब्बत बढ़ेगी बहरहाल दोस्तों आपके सामने मैं सज्जाद नुमानी साहब को लगा रहा हूँ आप इनका बयान सुनिए लेकिन इनका थोड़ा सा बयान लगा रहा हूँ इन बाद में फिर कभी इनका कंप्लीट बयान लगाऊंगा लेकिन आप ज़रूर सुनिएगा असल वरहि व आप सब पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें आप सब के शामिल हाल हो। अभी कुछ अर्सा पहले हमारे मुल्क में एक खातून ने जो जिसको मैं अपनी बेटी की उम्र का समझता हूँ नपुर शर्मा जिनका नाम है उन्होंने एक डिबेट टीवी डिबेट के दौरान सारी इंसानियत से प्यार करने वाले और सारी इंसानियत और सब कौमों के लिए खुदा की तरफ से मार्गदर्शन के लिए आने वाले रहनुमाई के लिए आने वाले वो पैगंबर जिनका नाम ही रखा गया नकब रखा गया रहमत लिलामीन जो सब के लिए सरापा रहमत शफकत और प्यार है उनके बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे अंदाज़ा हुआ कि वो उनसे बिल्कुल ही वाकिफ नहीं हैं और कुछ दुश्मनों की बातें उन्होंने सुनी या पढ़ी हैं उस पर उन्होंने गलती से यकीन कर लिया और फिर एक और साहब भी ट्वीट करके उसकी तइद में आए और उन्होंने भी इस बात का सबूत दिया कि ऑब्जेक्टिव स्टडी उन्होंने नहीं की है और किसी ख़ास पाठशाला में उनको जो कुछ पढ़ाया बताया गया उसको ब्लाइंडली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो किसी पढ़े लिखे आदमी के लिए मुनासिब नहीं होता बहुत अरसे से लोग मुझसे बहुत कह रहे थे कि आप इस विषय पर कुछ बात कीजिए लेकिन मैं अपनी सेहत के अतबार से जिस हालत से गुजर रहा हूँ मैं हॉस्पिटलाइज था मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं कह सका लेकिन आज मैं अपनी जिम्मेदारी समझ कर इस सिलसिले में कुछ बातें कहने के लिए आया हूँ और मैं पहले ही ये बता दूँ कि शायद मेरी बातचीत थोड़ी लंबी होगी मगर मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप घंटों घंटों क्रिकेट मैच देखते हैं दिन दिन भर देखते हैं आप थोड़ा वक्त थोड़ा समय निकाल कर मुसलसल मेरी इस बातचीत को आप सुन लीजिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मुझे यकीन है कि उसके सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपका वक्त बर्बाद हो गया जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उससे पहले मैं कुछ वाकयात आपको सुनाना चाहता हूँ एक तो उर्दू के बड़े शायर गुज़रे हैं अख्तर शिरानी हमारे उर्दू के बहुत बड़े जर्नलिस्ट लोगों में बल्कि इनकलाबी लोगों में एक गुज़रे हैं शोरिश कश्मीरी उन्होंने अख्तर शिरानी का एक वाक़ नकल किया है मैं वही उन्हीं के अल्फाज आपको पढ़कर सुनाता हूँ ताकि पूरी ऑथेंटिसिटी रहे वो लिखते हैं कि अरब होटल में एक दफ़ा कुछ कम्युनिस्ट नौजवानों ने जो बला के जहीन थे उनसे मुख्तलिफ मौजुआत पर यानी मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पर बहस छेड़ दी उस वक्त तक वो दो बोतलें चढ़ा चुके थे आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे और उनके होश कायम नहीं थे तमाम दिन पर राशत आ रही था हती के अल्फाज भी टूट टूट कर जुबान से निकल रहे थे और इधर अना का हाल ये था कि अपने सिवा किसी को मानते ही नहीं थे और फिर नशे में ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है यानी क्या सवाल पर गुफगू हो रही थी कहने लगे मुसलमानों में तीन शख्स अब तक ऐसे पैदा हुए हैं जो हर एतबार से जीनीस भी हैं और काम्फन भी हैं एक तो अबुलफल दूसरे गालिब ऊलाम आजाद शायर तो वो किसी को मानते ही नहीं थे और जो उनके ज़माने के श्वारा वाकई बड़े शायर थे उन्हें भी वो तस्लीम नहीं करते थे अपने से कमतर ख्याल करते थे अब कम्युनिस्ट नौजवान जो उनके स्टूडेंट्स या पास में बैठे हुए थे उन्होंने पूछा कि बारे में क्या ख्याल है भारत के लोग फैज़ से अच्छे खासे वाकिफ़ हैं तो टाल गए कोई जवाब ही नहीं दिया जोश के बारे में पूछा कौन नहीं जानता जोश मलिया आबादी को कहने लगे वो तो खाली कुछ तुकबंदी करता है नाजिम है फिर सरदार जाफरी का नाम लिया मुस्करा दिए। फिर फिराक़ गोरखपुरी का जिक्र छिड़ा हूँ हाँ करके चुप हो गए साहिर लुधियानवी का नाम आया सामने बैठा था साहिर कहने लगे इसको मश करने दो जहीर काश्मीरी का नाम आया कहने लगे हाँ नाम तो मैंने भी सुना है अहमद नदीम कासमी कैसे हैं नाम मेरा शागिर्द है तो जो प्रोग्रेसिव अदब था उसके बड़े बड़े जो सुतून थे उन्हीं को उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया तब एक साहब ने बहस का रुख फिरते हुए कहा कि फुला पैगम्बर के बारे में क्या ख्याल है किसी और नबी का नाम लिया अल्लाहबर आंखें उनकी लाल थी नशे में चूर थे जुबान पर काबू नहीं था लेकिन चौंक कर फरमाया क्या बक्ते हो अदबो इंशा शेर व शायरी की बात करो उनका मूठ खराब देख कर किसी ने फ़ौरन अफलातून जो फ़िलासफ़र था उसकी तरफ